कल्पना चावला, एक ऐसी महिला जिनकी दास्तां पूरे देश के लिए इंस्पिरेशन बन गई। आइए जानते हैं इनकी पूरी कहानी आज के इस वीडियो। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल शहर में एक कंजर्वेटिव परिवार में हुआ था। इनके पेरेंट्स बनारसी लाल चावला और संज्योति चावला पार्टीशन के दौरान पाकिस्तान से इंडिया आए थे और कल्पना इनकी चौथी और सबसे छोटी संतान थी। जब इन्होंने स्कूल जाना शुरू किया तो कोई फॉर्मली नाम नहीं दिया गया था इनको, घर पर इनको मोंटू करके पुकारते थे। जब उसकी बड़ी बहन स्कूल लेके गई, नाम पूछा तो हमने बोला नाम तो रखा ही नहीं है, घर का नाम उसका मुंडू ही बोलते थे सब उसको। तो जब जरूरत पड़ी तो इन्होंने अपना नाम खुद ही चुना, कल्पना, जिसका मतलब हो सकता है इमेजिनेशन। उस वक्त किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि ये छोटी सी बच्ची आगे जाकर अपनी जिंदगी में क्या कर दिखाएगी। इनके भाई संजय चावला बताते हैं कि समाज के साथ इनकी जद्दोजहद बचपन से ही शुरू हो गई थी। मैं इन लड़कों को दिखा दूंगी, मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूं। संजय कहते हैं कि एक बहुत ही डिटरमाइंड लड़की थी। 1960s का जमाना इमेजिन करो, आज के दिन भी हरियाणा में कई जगहों पर मेल चाइल्ड को प्रेफरेंस दी जाती है, उस जमाने में तो क्या होता होगा। कल्पना चावला को स्पेस में दिलचस्पी आसमान में उड़ते हुए प्लेन्स को देखकर हुई थी। बचपन में अपने पिताजी के साथ लोकल फ्लाइंग क्लब में जाती थी, पर इनके पेरेंट्स ने इनकी इस दिलचस्पी को नोटिस करना शुरू की। लेकिन आगे जाकर जब वो बड़ी हुई तो इनके पिता और इनके प्रोफेसर और टीचर सभी का यह कहना था कि इस प्रोफेशन को परस्यू मत करो, लड़कियों के लिए इस करियर पाथ में कुछ नहीं रखा। संजय चावला बताते हैं कि सबके लिए एक बहुत बड़ा शौक था, सबने उसे डिस्करेज करने की कोशिश करी कि मत करो ये, लेकिन कल्पना को कोई रोक नहीं सका। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करती है और उसके बाद चली जाती है अमेरिका अपनी मास्टर्स डिग्री करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। इवन दो इनके पिता इसको लेकर भी डिसअप्रूव कर रहे थे कि बाहर पढ़ने नहीं जाना चाहिए। Because I lived in India in a very small town and forget about space, I didn't even know if my folks were going to let me go to the engineering college. आगे चलकर साल 1988 में ये PhD भी कर डालती है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से। इस वक्त इनकी उम्र करीब 26 साल थी और नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में ये काम करने लगती है। इनकी स्पेशलाइजेशन फ्लूइड डायनेमिक्स एयरक्राफ्ट की, यानी इस चीज को स्टडी करना कि जो हवा है वो फ्लूइड की तरह किस तरीके से फ्लो करती है एयरक्राफ्ट्स के विंग्स के अराउंड और चारों तरफ से। इनके पास हीरो पायलट के लाइसेंसेस थे, एयरप्लेन्स, ग्लाइडर्स और सी प्लेन्स सब उड़ाना जानती थी। साल 1991 में ये अमेरिकन सिटीजन बन जाती है और 1994 में नासा 4000 एप्लीकेंट्स में से 20 लोगों को एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट करती है, जिनमें से एक कल्पना चावला भी होती है। नवंबर 1997, 3 साल की ट्रेनिंग के बाद कल्पना अपनी पहली उड़ान भरती है स्पेस। कोलंबिया प्रोग्राम के अंडर फ्लाइट STS-87 स्पेस शटल में बैठकर ये 250 से ज्यादा ऑर्बिट्स लगाती हैं धरती के, 2 हफ्ते तक स्पेस में रहती है। कोलंबिया स्पेस शटल की जो 24th फ्लाइट थी वो कल्पना चावला की पहली स्पेस फ्लाइट थी। STS-87 इसमें वो मिशन स्पेशलिस्ट का काम कर रही थी। फ्लाइट में एक रोबोटिक आर्म की वो मेन ऑपरेटर थी। इस फ्लाइट में उनका काम था एक रोबोट आर्म को ऑपरेट करना जो स्पार्टन सैटेलाइट को डिप्लॉय करे, एक ऐसी सैटेलाइट जिसे भेजा जाएगा सूरज की बाहर की लेयर को स्टडी करने के लिए। लेकिन इस मिशन के दौरान कुछ ऐसा होता है जिससे उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल सा जाता है। 1360 किलो की सैटेलाइट आउट ऑफ कंट्रोल चले जाती है और ये उसे रिट्रीव नहीं कर पाती। 3 दिन बाद एक स्पेस वॉक करके सैटेलाइट को वापस लाना पड़ता है। लेकिन बाद में नासा के साइंटिस्ट इन्हें एक्चुअली में कांग्रेचुलेट करते हैं और इनकी तारीफ करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की मैगजीन को बताती है, केसी यू डिड अ ग्रेट जॉब, बहुत बड़े सीनियर एस्ट्रोनॉट्स ने उन्हें कहा था। पता चलता है कि गलती उनकी नहीं थी बल्कि शटल क्रू में मौजूद किसी और की गलती थी। इस सक्सेसफुल मिशन के चलते कल्पना पहली इंडियन ओरिजिन औरत बन जाती है स्पेस में जाने वाली और पहली साउथ एशियन अमेरिकन वुमन भी। उस वक्त के इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंद्र कुमार गुजराल ने इन्हें कांग्रेचुलेट भी किया था। और कल्पना खुद कैसा फील कर रही थी पहली बार स्पेस में जाकर, उनका कुछ ऐसा कहना था, जब आप आसमान की तरफ देखते हो तारों और गैलेक्सीज की ओर, आपको ऐसा महसूस होता है कि आप किसी छोटे से जमीन के टुकड़े के हिस्से नहीं हो बल्कि पूरे सोलर सिस्टम, पूरे ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो। मतलब 16 जनवरी 2003 सुबह के 10:29 कोलंबिया स्पेस शटल आखिरी बार इस धरती से रवाना होता है। इसमें टोटल में 7 एस्ट्रोनॉट्स थे जिन्हें लीड कर रहे थे कमांडर रिक हस्बैंड, एक पेलोड कमांडर थे माइकल एंडरसन और 3 मिशन स्पेशलिस्ट थे जिनमें से एक कल्पना चावला थी। पायलट थे विलियम मैकूल और इजराइल स्पेस एजेंसी से एक इलान रामन भी थे जो पेलोड स्पेशलिस्ट थे। इन एस्ट्रोनॉट्स का मिशन था 24 घंटे नॉनस्टॉप एक्सपेरिमेंट्स करना। अब नॉनस्टॉप का मतलब ये नहीं कि बिना सोए बल्कि शिफ्ट्स में काम करके। ऑब्वियसली कल्पना चावला फोकस कर रही थी माइक्रोग्रेविटी पर, कि कैसे स्पेस में कंबशन होती है, कैसे आग को सप्रेस किया जा सकता है, कैसे क्रिस्टल ग्रोथ होती है और इवन प्रोस्टेट कैंसर कैसे ग्रो करता है स्पेस में। कोलंबिया की बैकअप फ्लाइट सॉफ्टवेयर ने डिस्प्ले पर कुछ मैसेजेस दिखाए ये बताने के लिए कि स्पेस शटल के लेफ्ट साइड वाले लैंडिंग गियर के 4 पहियों पर प्रेशर लॉस हो गया है, पर ये वार्निंग एक्जैक्टली 1 मिनट पहले आई थी उस समय से जब कोलंबिया ने धरती से सिग्नल खो दिया। जमीन पर बैठे कैपकॉम इसी चीज को लेकर कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे। अब कैसा लगेगा अगर मैं कहूं, हालांकि एस्ट्रोनॉट्स को कोई जानकारी नहीं थी इसके बारे में, लेकिन नासा में कुछ लोग इस प्रॉब्लम के बारे में जरूर जानते थे। हादसे से 1-2 घंटे पहले नहीं बल्कि पूरे 16 दिन पहले उनको ये चीज पता थी जिस दिन ये शटल लॉन्च हुई थी। बात यह है कि कोलंबिया के लॉन्च के 81 सेकंड बाद एक फोम का छोटा सा टुकड़ा शटल से अलग होकर लेफ्ट विंग पर जाकर टकरा गया था। ये फोम उनमें से था जिसको यूज किया जा रहा था कोलंबिया के एक्सटर्नल टैंक को मेन शटल से कनेक्ट करने के लिए। ज्यादा बड़ा टुकड़ा नहीं था, सिर्फ 60 सेंटीमीटर लंबा और करीब 40 सेंटीमीटर चौड़ा था। इसका वजन सिर्फ 750 ग्राम था, लेकिन ये लेफ्ट विंग पर जाकर इतनी तेजी से टकराया कि इसकी वेलोसिटी उस वक्त एस्टिमेट करी जाती है कि 700 से लेकर 900 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच में होगी। कल्पना चावला, इंडिया अपनी प्राइड को खो देता है, लेकिन कल्पना चावला का इंपैक्ट लाखों लोगों की जिंदगी पर देखने को मिलता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कल्पना इतनी पैशनेट थी साइंस एजुकेशन को लेकर कि वो चाहती थी कि इंडिया में हर लड़की को ऐसी एजुकेशन मिल सके। यही कारण कि उन्होंने नासा को कन्विंस किया कि उनका जो सेकेंडरी स्कूल था करनाल में, टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसके स्टूडेंट्स हिस्सा ले सके नासा के समर स्पेस एक्सपीरियंस प्रोग्राम में। 1998 के बाद से हर साल ये स्कूल 2 लड़कियों को अमेरिका भेजता था ह्यूस्टन में फॉर द फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल स्पेस एजुकेशन यूनाइटेड स्पेस स्कूल, और कल्पना चावला इन लड़कियों को अपने घर भी बुलाती थी डिनर करने के लिए।